नमस्कार, जेएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बाराबंकी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। बाराबंकी जिले का निवासी दिलीप कुमार उम्र 23 वर्ष, जो कि अपने साथियों के साथ सूरत मजदूरी का काम करने गया था, वहीं पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जैसा कि आपको बता दें, मृतक दिलीप कुमार पुत्र साहब दीन निवासी कोटवा थाना पटरंगा तहसील राम सनेही घाट बाराबंकी का रहने वाला है। उसके घर वालों का कहना है कि उसने कंपनी में 4 दिन काम किया है और 17/6/2021 को उसके कमरे में रहने वाले साथियों से वाद विवाद हुआ और वहीं पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि उसके साथियों ने उसकी जान ली है। लाश को पोस्टमार्टम करवा के सूरत से लाश उनके परिजनों को हवाले कर दी गई है। पटरंगा थाना SO विवेक कुमार सिंह, रुदौली CO रितेश कुमार सिंह और राम सनेही घाट SDM ने घर वालों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई करके जो भी सहायता राशि होगी उनको दिलवाया जाएगा। आइए देखते हैं धनंजय सिंह की एक खास रिपोर्ट। सच वही जो JNI न्यूज दिखाए। को जो है सबसे पहले तो जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता है और उसकी इंक्वायरी आपके स्तर से जो है वो कराई जाए। इनकी FIR का प्रार्थना पत्र आप दीजिए CO साहब को, SDM साहब को, इसको गुजरात में भेजेंगे, आपकी FIR दर्ज कराएंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इनकी परिवार की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। एक घटना हुई है, एक बालक हाँ। बचा है, दो ही बालक थे, एक चला गया है, एक बचा है। हाँ। इसकी सुरक्षा, इनके परिवार की सुरक्षा हाँ। का विधवत आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एक ही बालक बचा है। हाँ। मान लीजिए होनी अनहोनी कब क्या होती है, कुछ कहने की बात नहीं, तो इनकी सुरक्षा कराई जाए। दूसरी मांग हमारी प्रशासन से यह है कि इस मृतक परिवार के माता को, जो वृद्ध माता हैं, विधवा माता हैं उनकी, और ये छोटा बालक है, कम से कम 10 लाख की माननीय मुख्यमंत्री साहब कोष से इनको सहायता दिलाई जाए। और चूंकि इनके पास जमीन भी नहीं है सिर्फ मान जी, और इनको जो है कम से कम एक आवास की व्यवस्था करा दी जाए, जिससे माँ वृद्ध महिला जो है, एक जो है प्रधानमंत्री आवास इनको दिला दिया जाए, जिससे इनका जीवन यापन हो सके। और दूसरी चीज और तीसरा बिंदु यह है कि सबसे पहले बालक को आप लोग सुरक्षित होइए, और इस जो है आपकी सुरक्षा देना आपका काम है, और इस बॉडी को जितनी जल्दी आप जलवा देंगी या दफना देंगी उतनी जल्दी इस गांव की से सारी बीमारी भग जाएगी। और नहीं तो आप माता जी बाड़ी रोक रखे हैं, रोकिए, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, नहीं जो भी करना हो करिए, जो भी कराना है। लेकिन रह गई बात पुलिस की, पुलिस अगर आपकी मदद नहीं करती है DM साहब कराएंगे, पटरंगा पुलिस नहीं सुनती है, आप सुनेंगे इसी सब लोग आए हैं। और CO साहब से और SDM साहब से हमारी यही मांग है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए इनकी, और इनकी FIR जो है दर्ज करा दी जाए। बस इतना ही मुझे कहना।